കരുണ കല്ലോല കരുണാകലിതാത്മനെ നരാനുഗ്രഹരൂപായ ഉരവേ കുസുമാഞ്ജലി കാമക്രോധാദ്യഖിലദോഷമപാസ്യ രാമനാമാക്ഷരാമൃതഗണൈർഹൃദയം നിഷിഞ്ചൻ സ്വാധനുഗ്രഹപഥേന ദിവം വിവേശ തം നീലകണ്ഠഗുരുപാദമനുസ്മരാമി വിഗ്രഹേ രാമചന്ദ്രസ്യ വിലയീഭൂതചേതസാ അഹം ബ്രഹ്മേതി വേദാന്ത തത്വബോധസ്വരൂപിണി വിഭൂതിമാത്രദാനേന സർവാനുഗ്രഹദായിനേ ശ്രീ നീലകണ്ഠശിഷ്യായ സത്യാനന്ദായ നമഃ. आज गुरु पूर्णिमा है. भगवान शंकर भगवान से लेके वो पूरा परंपरे को हम स्मरण करने का है. ये रास्ते में हम लोगों को लाया है ब्रह्मश्री नीलकंठ गुरुपाद है. उनका शिष्य हमारे गुरु जगतगुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज है. ये सबके श्री चरणों पर हम अपने समर्पण करता है. उसे एक गुरु के लिए कुछ हम लोगों को दे नहीं सकता है. आचरण भी करने के लिए हम लोगों को इतना मालूम नहीं है. फिर भी अपने को गुरु का श्री चरणों में समर्पण करते हैं. कुछ भी करने के समय हम लोग यही प्रार्थना करने का है कि हमारे लिए विश्व में वसुधैव कुटुंबकम को आदर्श लाने के लिए हमारे लिए बुद्धि शक्ति सब देने के लिए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं. ये सारा विश्व हमारा ही है. हम हरेक को प्रार्थना करते हैं. मानव को, पृथ्वी को, जल को, आकाश को, अग्नि को, ये सबको हम पूजा करते हैं. हमारे लिए सब वंदनीय है. ये भावना हमारा मन में होने के लिए मेरा प्रार्थना है. इधर हमारे लिए 24 मंदिर है और उसके साथ साथ शबरीमला अय्यप्पा स्वामी का मंदिर के सामने हमको प्रतिष्ठा करने के लिए 18 सीढ़ी हमने लाया है. आज गुरु चरणों में ये समर्पण करके आगे बढ़ेंगे. रामगिरी टू शबरीगिरी ऐसा एक छोटा प्रोजेक्ट आदमी को ये क्या है ये दिखाने के लिए. ये पाक क्यों हम लोग इधर ऐसा मानता है कि एक वहाँ हम सबको अय्यप्पा कहते हैं. एक दूसरे को तो अपना नाम पर नहीं कहता है अय्यप्पा स्वामी. वहाँ कोई भाव भेद नहीं और औरत लोगों को हमने माणियपुर कहते हैं. यह सब आदमी को सिखाने के लिए हम लोग रामगिरी में कोशिश करते हैं. भगवान का आशीर्वाद हो जाएंगे. महागणपति का श्री रामचंद्र श्री राम सीता आंजनेय उनका और वेद मंदिर है. स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज उनका मंदिर है और नीलकंठ गुरुपाद का मंदिर है और अय्यप्पा का मंदिर और ललिताम्बिका का मूकाम्बिका देवी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है. सुब्रमण्य स्वामी का मंदिर है. कार्तिक भगवान का मंदिर है और दत्तात्रेय का मंदिर है. नागराज नागदेवी का मंदिर है.
श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है और शनि भगवान का सब कैलाश जैसे वो हम बन रहा है। नीचे नदी के किनारे रामेश्वर मंदिर है, भारत माता मंदिर है और भरत कुटीर है, वो एक रामेश्वर शिव का मंदिर। उधर से जरा ऊपर जाते तो भरत कुटीर, उसमें एकता भारत की एकता के लिए है ये दोनों। और उसके पास है भारत माता मंदिर, हर एक बच्चा पहले अपना माँ को नमस्कार करना, अपना पिताजी को नमस्कार करना, फिर भारत माता का नमस्कार करना। हर एक बच्चे को माँ बाप लेके है ना, अहम शब्द लेना, मैं माँ को और पिताजी को पूजा करेंगे और भारत माता का पूजा करने के लिए मैं लायक बनेंगे, ये हर एक बच्चे बच्चे में हम लोग सिखाने का है। इधर एक महाविद्यालय है, वहाँ हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, सबके साथ प्यार से रहना, कैसा ये सीखने का है। वेद मंदिर है, वेद मंदिर में चारों वेद इधर प्रतिष्ठा किया है, हमारे गुरुदेव का आज्ञानुसार डॉक्टर ऋग्वेद को 8 वॉल्यूम से ट्रांसलेट किया है मलयालम में और हर एक भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश करता है, इसलिए गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। वो गुरु दक्षिणा भाष्यम उसका नाम ही ऐसा ही है, स्वामी जी का आज्ञानुसार उन्होंने किया हुआ है। सब जगह में ये हमारे लिए सब गुरु को हम लोग पूजा करता है। इधर रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा में केरल का और भारत का सब गुरु को रखने के नहीं सकते ही तो भी हम लोग वो चालू करता है। हर एक गुरु हमारा है, ये सब गुरु का आशीर्वाद हम सबको, जो पूजा करता है जो नहीं पूजा करता है सबके लिए होने के लिए प्रार्थना करने का एक मौका हमारा गुरुदेव ने हमको दिया है। हम एक झोपड़ा बन के हमने पूजा किया, ये इधर गुरुदेव आके सोया था उधर, अभी भी हम लोग ये स्मरण है गुरुदेव का, चरणों में हम लोग बैठे हैं, अभी पूजा करने के लिए जाते हैं। हमारा प्रार्थना है उनका श्री चरणों में हम लोग उनको समर्पण करके आगे बढ़ते हैं। जय सीताराम।